अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। आज के लेक्चर में हम बच्चों करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अनदर टॉपिक, दैट इज कूलम्स लॉ। देखिए बच्चों, हम जान चुके हैं कि किसी भी बॉडी को अगर रगड़ा जाए तो उसकी सतह पर चार्जेस आ जाते हैं। चार्जेस इसका मतलब हर बॉडी की इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी है, लेकिन एज अ होल बॉडी न्यूट्रल रहती है, लेकिन जब भी उसे रगड़ेंगे या उसे कोई चार्ज बॉडी दिखाएंगे तो उसकी सतह पर चार्जेस नमूदार हो जाएंगे, प्रोमिनेंट हो जाएंगे, सामने आ जाएंगे। अब चार्जेस के मुतालिक हम पहले ही जान चुके थे, काफ़ी अरसा पहले ही जान चुके थे, लेकिन एक साइंसदान आया जिसका नाम था चार्ल्स कूलम। ये फ्रेंच मिलिट्री के अंदर इंजीनियर था और इसने 1785 के अंदर एक ला दिया जिसका नाम कूलम्स ला। अपने नाम से ही उसका कानून है, कूलम्स ला। अब इसने किन सवालात के जवाब दिए? देखिए, हम जानते हैं कि दो सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। हम जानते थे कि दो अनलाइक चार्जेस, डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ये चार्जेस कितनी फोर्स एक दूसरे को रिपेल और ये चार्जेस कितनी फोर्स एक दूसरे को खींचते हैं, उसकी मिकदार का अंदाज़ा नहीं था। वो सबसे पहले किसने बताया? चार्ल्स कूलम ने, कि ये कितनी फोर्स एक दूसरे को दफा करेंगे, ये कितनी फोर्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये कितनी फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये सवाल का जवाब चार्ल्स कूलम ने दिया। और फिर मजीद दो सवालात के जवाब दिए कि ये जो फोर्स है, सेम चार्जेस का रिपेल होना, अनलाइक चार्जेस डिफरेंट चार्जेस का अट्रैक्ट होना, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। मतलब अगर चार्जेस के साइज बड़े कर दिए जाएं, चार्जेस के साइज बड़े करने का मतलब चार्जेस की मैग्नीट्यूड बढ़ा दी जाए, कीमत बढ़ा दी जाए, तो फोर्स पर क्या इफेक्ट होगा, और चार्जेस के दरमियान फासला बढ़ा दिया जाए तो फोर्सेस पे क्या इफेक्ट होगा। तो फिर सबसे पहला सवाल ये कि फोर्स चार्जेस की कीमतों से कैसे इफेक्ट होगी। फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये चार्जेस की मैग्नीट्यूड से कैसे इफेक्ट होगी, बड़े और छोटे होने से क्या इफेक्ट होगी, कैसे इफेक्ट होगी। और दूसरा सवाल, ये पहला सवाल था और ये दूसरा सवाल था कि इनके दरमियान फासले से कैसे इफेक्ट होगी। चार्जेस को करीब ले आइए तो फोर्स पे क्या असर पड़ेगा, चार्जेस को दूर ले जाइए तो फोर्स पे क्या असर पड़ेगा। इन दो सवालात के जवाब मैथमेटिकली उसने ड्राइव करके एक एक्सप्रेशन दिया जिसका नाम कूलम्स लॉ है। आइए वो लॉ देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स ने कहा कि दो चार्जेस, चाहे वो सिमिलर ले लीजिए चाहे वो अपोजिट ले लीजिए, एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। फोर्स कैसी? अगर सेम चार्जेस हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्जेस हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। कितनी मिकदार से करेंगे, जैसा कि यहाँ क्वेश्चन राइज हुए थे, साइजेस बड़े कर दिए जाएं तो फोर्स पे क्या इफेक्ट है, साइजेस छोटे कर दिए जाएं तो फोर्स पे क्या इफेक्ट है। साइज मींस मैग्नीट्यूड, फासला ज़्यादा कर दिया जाए तो फोर्स पे क्या इफेक्ट है, फासला कम कर दिया जाए चार्जेस के दरमियान तो फोर्स पे क्या इफेक्ट है। इन दोनों सवालात के जवाब इस एक्सप्रेशन के अंदर, इस डेरिवेशन के अंदर, इस फार्मूले के अंदर, इस लॉ के अंदर उसने बंद किया। तो देखिए कहता है, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, क्यू वन क्यू टू, चार्ज को हम Q के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, चाहे वो अट्रैक्शन की हो चाहे वो रिपल्शन की हो, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसीलिए लिखा होगा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन, दोनों फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके किस पर डिपेंड करती हैं, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, चार्जेस की जो मैग्नीट्यूड्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, छोटे चार्जेस छोटी मैग्नीट्यूड, बड़े चार्जेस ज्यादा मैग्नीट्यूड। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सीधा सीधा डिपेंड करती है दोनों चार्जेस की कीमतों पे, जितनी ज्यादा कीमत, जितने ज्यादा कूलम चार्ज, जितना ज्यादा साइज उतनी ज्यादा फोर्स, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द चार्जेस। प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लीकेशन को, प्रोडक्ट हासले ज़रब किस किस का, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, चार्जेस की कीमतें, वन कूलम टू कूलम, टू कूलम टू कूलम, जो भी मैग्नीट्यूड्स हैं। एंड यहाँ तक नहीं, दूसरी चीज़ फासला,
क्या फोर्स फासले से इफेक्ट नहीं होगी? फासला बढ़ेगा, फोर्स कम हो जाएगी। फासला कम करेंगे दोनों के दरमियान तो फोर्स बढ़ती 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 चली जाएगी। तो यही कहता है, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। इन दोनों के दरमियान जो फासला है, इन दोनों के दरमियान जो फासला है, चाहे थोड़ा है चाहे ज़्यादा है, फोर्स उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सिर्फ फासले के नहीं, फासले के स्केयर के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना क्या मतलब है? जितना फासला बढ़ाते जाओगे फोर्स उतनी कम होती चली जाएगी। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है? जितनी मैग्नीट्यूड्स बढ़ाते चले जाओगे फोर्स की मिकदार उतनी बढ़ती चली जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को इकट्ठा कर दीजिए। कैसे इकट्ठे होंगे बताइए? यहाँ से क्या बन जाएगा? फोर्स वन टाइम आ जाएगा। ये डायरेक्टली, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पड़ा था, यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पड़ा, यहाँ जस्ट प्रोपोर्शनल पड़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर दोनों कीमतें आ जाएंगी Q1 Q2 ओवर आर स्केयर। लिखेंगे यहाँ कंबाइनिंग 1 और 2, 1 और 2 को कंबाइन कर दिया, F1 टाइम प्रोपोर्शनलिटी आ गया, Q1 Q2 ओवर आर स्केयर। अब इसको पढ़िए तो फिर वही पढ़ा जाएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। अब हम जानते हैं किसी मैथमेटिकल रिलेशन या एक्सप्रेशन के अंदर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ रहा हो तो उसको ख़त्म करते हैं। जब इसको ख़त्म करेंगे इसकी जगह कांस्टेंट आएगा के। यहाँ पे क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या कूलम्स कांस्टेंट। कूलम्स ने इंट्रोड्यूस करवाया, कूलम्स ने वो कांस्टेंट की वैल्यू दी, कूलम्स ने ही कांस्टेंट के मतलब बताया कि यहाँ कांस्टेंट पुट करना पड़ेगा। आइए अब इस एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे Q1 क्या है? Q1 क्या है? फर्स्ट चार्ज, पहला चार्ज। Q2 यहाँ पे क्या है? सेकेंड चार्ज। R क्या है इन दोनों के दरमियान? डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, दोनों चार्जेस के दरमियान फासला है। और K क्या है यहाँ पे? कूलम्स कांस्टेंट कह लीजिए, या इसे दूसरा नाम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, कूलम्स कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करके ये आया है। और इसकी कीमत भी कूलम्स ने ही बताई। जैसे आप जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर भी K आया था, और वहाँ पे क्या था? KMA। वहाँ न्यूटन ने कहा था इस K की कीमत क्या पुट करनी है? 1। यहाँ पे कूलम्स ने कहा यहाँ की K जो है स्मॉल K, इसकी कीमत मैं खुद दे रहा हूँ, जो कि यहाँ तो नहीं मेंशन लेकिन सेकंड ईयर के अंदर है। मैं बता देता हूँ, K का फार्मूला होता है 1/4π0, और ये जब कीमतें पुट की जाती हैं तो रिजल्ट आता है 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये K की वैल्यू है जो यहाँ पुट किया करनी है हमेशा। K की वैल्यू क्या बताती है? अब सवाल ये है K की वैल्यू कहाँ से आ गई? Q1 तो पता चल गया, पहला चार्ज, Q2 तो पता चल गया, दूसरा चार्ज, R, उनके दरमियान फासला, ये तो चीज़ें क्लियर कट हैं, सामने हैं। K क्या बताता है कि भाई इन दोनों चार्जेस के दरमियान है क्या? हवा है, सॉलिड है, लिक्विड है, गत्ता है, वुड है, ये दीवारें हैं, क्या रखा गया है इन दोनों के? खला है, स्पेस है, क्या है दोनों चार्जेस के दरमियान? वो कौन बताएगा? वो बताएगा K। K क्या बताएगा फिर? दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम क्या है? दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम क्या है वो किसने बताना है? K। और ये K की वैल्यू किस मीडियम के लिए है? एयर के लिए। एयर के लिए के की वैल्यू कैलकुलेटेड है, मुख्तलिफ मीडियम्स के लिए के की वैल्यू डिफरेंट है, लेकिन हवा के लिए और वैक्यूम के लिए, खला के लिए के की वैल्यू सेम है। यही है 9×10⁹। इसका मतलब जब भी हम मैथमेटिकली डेरिवेशन करेंगे के की वैल्यू हमेशा, जब भी दोनों चार्जेस दरमियान हवा नहीं होगी तो के की वैल्यू यही पुट की जाएगी। फ्री स्पेस जिसे खला कहते हैं या एयर हो तो के की वैल्यू हमेशा यही पुट की जाएगी उस एक्सप्रेशन के अंदर। इज इट क्लियर? तो बच्चों याद रखिए। और कूलम्स लॉ बहुत छोटे छोटे चार्जेस के लिए वैलिड है, पॉइंट चार्जेस के लिए, बड़े बड़े मैसिव चार्जेस के लिए लॉ भी इनवैलिड हो जाता है। जैसा कि न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मैसिव बॉडीज के लिए है, छोटे छोटे बॉडीज पे वो भी फेल हो जाता है। न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ वो बड़े बड़े मैसेज के लिए है, मेरे और इनके दरमियान मैसेज के लिए है, जो मैसेज नज़र आ रहे हैं उनके लिए है, लेकिन छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए वो भी फेल हो जाता है। इसी तरह से ये भी छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है कूलम्स लॉ, लेकिन बड़े बड़े चार्जेस पे आके वो इन कानून को चार्जेस फॉलो नहीं करते।
सो इज इट क्लियर बच्चों? तो क्या स्टेटमेंट है कूलम्स लॉ की, क्या स्टेटमेंट है? द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, चाहे रिपल्शन की हो चाहे अट्रैक्शन की हो, रिपल्शन किन में होती है? सेम चार्जेस में. अट्रैक्शन किन में होती है? अनलाइक चार्जेस में, डिफरेंट चार्जेस में. द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस. दिस इज कूलम्स लॉ, चार्ल्स कूलम 1785 के अंदर ये ला दिया और मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया दो सवालों के जवाब कि मैग्नीट्यूड से कैसे फोर्स इफेक्ट होगी. मैग्नीट्यूड बढ़ा दी जाए फोर्स बढ़ जाएगी, मैग्नीट्यूड कम कर दी जाए फोर्स कम हो जाएगी, फासला बढ़ा दिया जाए फोर्स कम हो जाएगी, फासला कम कर दिया जाए फोर्स बढ़ जाएगी. ये था आज का हमारा लेक्चर. उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी. वीडियो देखिए और बुक पे लिखा मैटर देखिए, आपको ए टू जी इंशाल्लाह समझ आएगी. हमारी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए. इसी के साथ आपसे ज़्यादा चाहूँगा. अल्लाह हाफिज़.